मुंबई में आया हुआ क्योंकि यहाँ पर उसे दो बंदों को मारना है, पहला है दाऊद रंगन और दूसरा बंदा है वो है वान्य शाह। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को खत्म करना है एकदम चुपचाप से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि हमने यार दाऊद रंगन को तो मार दिया था बहुत ही आसानी से, लेकिन जैसे हम वान्य शाह को मारने गए थे तो वहां पर हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी। सीन क्या हुआ था कि हम टेलर बने थे, अब यहाँ पर हमें टेलर बनकर कपड़ा खरीदना था। कपड़ा खरीदने की जगह मैंने कपड़ा चुरा लिया था, जिससे सबको शक हो गया। सब लोग पहले तो चोर चोर बोलने लगे, फिर इन लोगों ने भैया गोली वोली मारी तो बहुत गड़बड़ सीन हो गया। तो यहाँ पर मिशन उस टाइम फेल हो गया था, तो अभी हमें मिशन हुआ है दोबारा से करना है। तो सबसे पहले मैं इसको मारूंगा, आप देख पा रहे हो जो वान्य शाह है, सबसे पहले हम इसे मारेंगे, उसके बाद मारेंगे दाऊद रंगन को, क्योंकि मेरे हिसाब से दाऊद रंगन को मारना ना थोड़ा आसान है, वान्य शाह को मारना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर देखेंगे भैया कैसे मारना है इन्हें, क्या क्या करना पड़ेगा। तो भी भाई आ चुके हैं मुंबई की जो मेन चौल वाली सिटी है उसके अंदर। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल की साइट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है buynanny.com। इस साइट के थ्रू आप घर बैठे ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। इसमें मिनिमम डिपॉजिट होता है 100 रुपीज का, तो यहाँ पर आपने बेट लगाना है, उसके बाद एक टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा जो कि अप और डाउन होगा। तो अगर आपका जो प्रिडिक्शन है यानी कि आपने जो गेस करा है वो एकदम सही जाता है, तो आपके जो पैसे है वो डबल हो जाएंगे जितने आपने इन्वेस्ट करे हैं, यानी कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो वो 200 हो जाएंगे। और गाइस बेट लगाने के बाद 1 मिनट का वेट जरूर करना, क्योंकि यार यहाँ पर 1 मिनट के बाद जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भाई मैं सजेस्ट करूंगा ग्रीन वाले बटन पर टैप करना, क्योंकि यार यहां पर जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और यहां पर आप पेटीएम से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और वैसे इन्वेस्ट करना यहां पर बहुत ज्यादा आसान है। देखिए गाइस जो मैंने प्रिडिक्शन करा था वो एकदम सही निकला और यहां पर हम जीत चुके हैं। तो भाई इसी तरीके से आप भी जीत सकते हो, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है, तो जल्दी से जाओ पैसे कमा लो buynanny.com से। तो भाई ये देख पा रहे हो ये टकला है यहाँ पर खड़ा हुआ है, और ये अभी भी लोग अभी भी नाली में पैर रख के बैठे हुए हैं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी हम अपनी गेम पे फोकस करते हैं, हमें कोई गलती नहीं करनी इस बार। हमेशा की तरह हमें छोटी छोटी गलती कर देते ना, इस बार कोई भी गलती नहीं करनी, वान्य शाह को ज्यादा से करके मार ही देना। तो यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था, हम एक टेलर बने थे, तो सबसे पहले वही चीज करनी है दोबारा से। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा रास्ता मेरे को दिखा है ऊपर जाने का, ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है, एक मिनट रुक जाओ मैं देखता हूँ ऊपर चल के। यहाँ पर शायद कुछ तो नया है, इस रास्ते में मैं आया नहीं कभी। ओके तो यहाँ पर पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है, फोन चला रहा है ना। ओके तो फोन चला रहा है, और आगे की तरफ कुछ ये सिक्योरिटी गार्ड जो है सिपाही टाइप खड़े हुए हैं। एंट्री है क्या हमारी, नो एंट्री तो लिखा है। ओके ओके जा रहा हूँ अंकल जी, इतना चिल्लाऊं मैं तो। ओके तो यहाँ पर वो मना कर रहा है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो मैं वहां से निकल गया। सामने मैं जा सकता हूँ सामने, लेकिन यार वान्य शाह का राइट में ही था मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है, और ये झूला लगा हुआ है भाई सब गली में। ओके तो यहाँ पर राइट में निकल जाता हूँ, और ये धोबी घाट टाइप एरिया आ गया। ओके तो यहाँ पर शायद से कपड़े वपड़े धुलते हैं और प्रेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिलाई मशीन की लेफ्ट में दुकान है। ओके 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 जगह याद आ गई मेरे को, जगह याद आएगी, यही है वो ट्रेन यार्ड जहाँ पर वान्य शाह रहती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई कितने सारे सिपाही उसने लगा रखे हैं बाहर की तरफ। ओके तो ये जो बंदा आप सामने देख पा रहे हो ये वान्य शाह का आदमी है। अब यहाँ पर वान्य शाह ने इसे टेलर के पास भेजा है, क्योंकि वान्य शाह अपने लिए कोई कपड़ा सिलवाना चाहती है, और टेलर ना इसे हमेशा मना कर देता है। अब एक बार ना मैं इसकी बैठ के यहाँ पर पूरी चुपचाप बात सुन लेता हूँ, किसी को पता भी ना चले। और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ओके टेलर ना इसे हर बारी मतलब ठसा देता है कि वो दुकान में ही नहीं है, और ये बेचारा हमेशा बेचारा वापस चले जाता है। अब यहाँ पर अगर हम उस टेलर की जगह ले लेंगे, यानी कि अगर हम टेलर बन जाएंगे उसकी ड्रेस लेकर, तो यहाँ पर इस बंदे को लगेगा कि हम टेलर है, और वो कपड़ा लेकर जो भी वान्य शाह को बनवाना है तो उसको लेकर हम वान्य शाह तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले हमें टेलर बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक बार ना स्टोरी पता कर लेता हूँ। तो ये वो कपड़ा है अब यहाँ पर, ओके ठीक है मैं समझ चुका हूँ, वैसे तो पिछली बार मैंने देख ही लिया था। अब यहाँ पर फटाफट चलते हैं उस टेलर के पास, देखते हैं यार वो टेलर को क्या सीन है, क्या क्या करना पड़ेगा, टेलर कैसे बाहर निकलेगा दुकान से। तो ओके टेलर जो है अपने दुकान के अंदर है, तो मैं जा सकता हूँ अंदर, एक मिनट रुक जाओ। ओके तो अंदर तो आ गया मैं दुकान के, और लेफ्ट में एक सिक्योरिटी गार्ड जैसा बंदा खड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैं इधर मूव कर लेता हूँ अपना, ताकि बातें इनकी पूरी सुनूंगा मैं। ओके अभी भी ये बंदा ये बोल रहा है कि अगर कोई पूछे ना कि मैं हूं या नहीं, तो कह रहा साफ मना कर देना कि मैं नहीं हूं, और वैसे भी ये फिलहाल तो ये अभी दुकान से बाहर ही जा रहा है। और ये जैसे एकदम शांत एरिया में जाएगा, सुनसान एरिया में जाएगा, वैसे ही मैं इसको मार दूंगा। अब बस मैं इसे जैसे ही मारूं ना मेरे को कोई देखे ना, और मैं इसकी बॉडी भी छुपा दूंगा ताकि सारा का सारा कलेश ही खत्म हो जाए। अब यहां पर चलते हैं यार, और कोई बंदे ने देखा तो नहीं ना मेरे को इसके पीछे जाते हुए। ठीक है सब कुछ एकदम डन चल रहा है, बिल्कुल ओके है, लेफ्ट में भी कोई नहीं खड़ा, तो यही टाइम है इस बंदे को मारने का। रुक साले तेरी ऐसी की तैसी, अभी यार इधर से कोई देख रहा नहीं, पीछे ही बंदा खड़ा हुआ, पीछे ही बंदा खड़ा हुआ, रुक जा भाई साहब पीछे ही बंदा खड़ा हुआ, इसकी बॉडी देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ओके क्राइम नोटिस, और वो शिट इसका भाई किसी ने तो देख लिया इसको, मतलब कि जब मैंने इसे मारा था। यहाँ पर बंदे आ चुके हैं, अब मैं इसे अंदर करके जल्दी से गेट बंद कर देता हूँ सबसे पहले। ओके ठीक है,
गेट तो मैंने बंद कर दिया है, इसके कपड़े लेकर अगर मैं यहाँ से निकल लूंगा तो सब कुछ एकदम डन हो जाएगा। रुक जाओ फटाफट मैं यहाँ से ना निकल लेता हूँ, रुक जाओ सब कुछ एकदम ओके है, ज्यादा कुछ पंगा हुआ नहीं क्योंकि मैंने जल्दी से ना बॉडी छुपा दी। भाई साहब बहुत फास्ट काम हुआ अभी जो भी हुआ है। अब मेरे को फटाफट से जाना है उस दुकान पर जहाँ पर कपड़ा वपड़ा बिकता है, तो लेकिन पहले मेरे को ना घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कपड़ा खरीदना कौन सा। ओके तो पहले मैं घर पर चले आता हूँ चुपचाप। लेकिन यार सबसे सही चीज़ ये हुई कि मैंने बॉडी बहुत जल्दी छुपा दी वरना गड़बड़ हो जाती। और यहाँ पर इस एरिया में इतना सारा क्राउड है यार, कहीं ना कहीं तो बंदा होता ही है, कोई कोने में खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है, तो कोई झुंड में खड़ा होता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें अंदर जाना है और ऊपर चल कर देखते हैं। ओके तो ये इसका सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पर ऊपर चलते हैं। इनको शक हो रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है ओए ये बंदा ऊपर आ रहा है मेरे को देखने। शिट 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 ये तो गड़बड़ होगी, यहाँ छुप जाता हूँ मैं। ये बंदा मेरे को ऊपर क्यों देखने आ रहा है भाई? ओके तो ये ऊपर आ चुका है। इधर आ साले, इधर आ, तेरे को कुछ कहा है हमने यहाँ पे? इधर ऐसी की तैसी तेरी, इसको इसके अंदर डालूंगा मैं, इधर तेरी ऐसी की तैसी, इसके अंदर भरो इसे। अबे उठा इसे, भर इसके अंदर डब्बे में। चलो अब इस डब्बे के अंदर वैसे हमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा, हमने इसे मार भी दिया। अब यहाँ पर ये सामान हमें लेना है। ओके तो सिक्के मैंने ले लिए, जो हमें सामान लेना है वो ये चीज है, इसके अंदर लिखा है। तो हमें इस शॉप पर जाना है जहाँ से हमें कपड़ा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन है, फैब्रिक क्लॉथ है वो जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो ना, वो लेना। और यहाँ पर कुछ सिक्के पड़े हैं, भाई साहब बेचारे टेलर का हमने सामान भी चोरी कर लिया थोड़ा बहुत। अब यहाँ पर फटाफट से निकलते हैं, देखते हैं भैया ये वाला भी गेट ना खोल देता हूँ। ओके रुक जाओ, ये वाला गेट भी मैं बाहर से खोल देता हूँ और पीछे से निकल लेता हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले मैं सामने से एंटर हुआ था, पीछे से निकल लिया। अब यहाँ पर ये है वो टेलर की शॉप, आप सामने देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस टेलर से हम पैसे दे के सामान खरीदेंगे तो अपना पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ब्लू वाला कपड़ा है ना ये उठाना है। पिछली बारी मैंने ना ऐसा चुरा लिया, तो अब मेरे पे एक आइडिया है, मेरे पे एक मस्त आइडिया है जो कि मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, ट्राई कर देखते हैं बस पास हो जाए। तो फटाफट ना ऊपर चलते हैं, बस मैंने कभी ट्राई नहीं करा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ ये चीज़, और पास होगी तो मजे आ जाएंगे, अपना ना सारा काम फ्री में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को उसके लिए क्या करना है ना, अपनी गन निकालनी है। रुक जाओ, तो ये वो गन है, अपनी गन निकालता हूँ। और ये जो सामने आप बोर्ड देख पा रहे हो ना, अगर मैं बोर्ड पे अपना शॉट मारूंगा तो ये जो बोर्ड है नीचे गिरेगा उस टेलर के ऊपर। लेकिन वहां पर टेलर तो है ही नहीं। ओ भाई वहां पर टेलर तो आ गया, ये था नहीं यार, मैं सही टाइम पे कपड़ा लेकर निकल सकता था। तो इसके ऊपर मारी है मैंने गोली। ओके तो बिल्कुल डन हुआ है सारा काम, यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चला, बॉडी फिलहाल फाउंड हो गई है। लेकिन मैंने थोड़ी मारी है भाई, ये तो एक एक्सीडेंट है, अपने अभी बोर्ड ढीला बांधा था तुम लोगों ने, वो गिर गया, मैंने कुछ नहीं करा भाई। तो ओके अभी हम नीचे आ गए हैं, तो फिलहाल किसी को यहाँ पर शक तो नहीं हुआ। फटाफट अगर मैं कपड़ा लेकर निकलूंगा तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं होगी ना। ओके तो यहाँ पर मैं लेकर निकल लूँ। ओके तो चुपचाप लेकर तो मैं निकल गया हूँ भाई, सब कुछ अभी तक डन हो रहा है, सब कुछ एकदम डन है, बस किसी को शक तो नहीं हो रहा ना मेरे पे? नहीं भाई सब कुछ एकदम ओके हो रहा है। अब फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं, हमें वहां पर जाना पड़ेगा। ओके तो ये जो बंदा है जैसे हम इसे कपड़ा दिखाएंगे तो हमारी अंदर एंट्री करवाएगा। तो उससे पहले ना मैं अपनी गन ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि ये लोग चेकिंग करेंगे, सिपाही हैं आगे पूरे। तो अपनी जो गन है मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ ड्रॉप कर दूँ, किसी को दिखेगी भी नहीं, तो ये जगह एकदम शांत है, बाद में आके उठा लूंगा जब दाऊद को मारने चलेंगे। तो मैं अपनी गन को यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ और फटाफट यहाँ से निकल लेते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले कि हमने ड्रॉप करी है। अब यहाँ पर इस बंदे के पास हमें आना है, अब इसको लगा कि टेलर हम है, तो चलो भैया हमें वाने शाह के पास लेकर चलो। अब यहाँ पर ये जो सिपाही है मेरी जब चेकिंग करेंगे तो शक ना करें ये लोग। चलो भाई ओके तो चलना है इसके पीछे पीछे। भाई चेकिंग करोगे क्या? ओके भाई साहब चेकिंग करवानी पड़ेगी, लो कर लो भाई चेकिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब मैंने गन तो रख दी थी ना, हाँ ठीक है गन मैंने एकदम याद है पूरी रख दी थी, बाकी कुछ चक्कू तो नहीं था ना मेरे पे। चलो यार अभी मेरे पे कुछ भी नहीं था भाई, एकदम प्रॉपर चेकिंग कर रहे हैं। तो चलो भाई अपनी एंट्री हो चुकी है, चलो भाई पिटवाओगे क्या? ओके ओके पता नहीं कौन सी भाषा में क्या बताना चाह रहा था, थी तो इंग्लिश ही लेकिन अलग ही भाषा लगी थी मेरे को इसकी एकदम। अब यहाँ पर धीरे धीरे मेरे को इसके एकदम पीछे पीछे जाना है, इतने धीरे धीरे एक तो चल रहा है भाई ये देखो, मतलब कि सारी इन्होंने ट्रेन का एरिया जो है घेर रखा है, पीछे इंजन खड़ा हुआ है, पूरी पूरी की पूरी ट्रेन की पटरी जा रही है, सामने डिब्बा भी है लेफ्ट में, मतलब ये लोग एकदम पूरा ट्रेन यार्ड में रहते हैं, पूरा कब्जा रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर इन्होंने अपना पूरा एकदम महल बना रखा है और वान्य शाह महारानी बनी पड़ी यहाँ की। ओके तो अभी कुछ करना तो नहीं है ना, सीधा अंदर चलना है ना। ओके तो कोई कुछ कहेगा तो नहीं। ओके यहाँ पर नॉर्मल बंदे भी घूम तो रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कैमरे में नोटिस कर लिया भाई, कैमरा भी लगा हुआ ऊपर, वाओ। ओके तो आगे का काम सारा मेरा है, चलो ठीक है, इसका काम था रास्ता दिखाना, अब आगे का जाना हमारा काम है। लेकिन ये हमारी एंट्री देगा भाई, एंट्री चाहिए मेरे को। ओके ओके कुछ भी नहीं कहा इसने, कुछ भी नहीं कहा। और फटाफट अंदर चलते, एकदम ना तमीज वाले बंदों की तरह चलना पड़ेगा, भागने वागने की कोई जरूरत नहीं है।
फटाफट यहाँ पर आता हूँ. ओके, तो ये बैठी वो वाना शाह जो महारानी है. अब यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, क्या करना है? ओके, तो यहाँ पर जो हमने कपड़ा लिया है तो हमें इसका नाप लेना है और उसी टाइम पर हम इसे मार देंगे. ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वाना शाह कपड़ा दिखाना पड़ेगा जो हम लेकर आए हैं. तो देख लीजिए भैया, ये वो कपड़ा है. तो यहाँ पर हमें ये कपड़ा वाना शाह को दिखाना है. तो ये देख लो भैया, ये वो कपड़ा है. अब यहाँ पर हमें इसका नाप लेना पड़ेगा. इसको भाई तभी मार देंगे, बहुत खतरनाक वाला है. तो चलो भाई, यहाँ पर कपड़ा जो है फाइनल हो चुका है, मतलब कि हमने सही कपड़ा वहां से खरीदा था. अब मारेंगे भाई इसको. चलो भाई, अब हमें बस अंदर जाना है यहाँ से. ओके भाई, देख रहे मतलब पेड़ पौधों में ही ट्रेन के यार्ड में कितना खतरनाक इन्होंने बना रखा है भाई साहब. पूरा ऐसा लग रहा है किसी खतरनाक महल से में आ गए हैं. और ये जो पेड़ पौधे हैं फूल से भी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर. ओके, काफी तगड़ी लाइटनिंग भी कर रखी है इन्होंने. और ये जो इंजन देख पा रहे हो, ये एक मतलब की इंजन है, डिब्बा है ये. और हमें लग रहा है कि रूम है. तो यहाँ पर अभी हम अंदर आ चुके हैं और इसे मारेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये भी है और ये देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी. तो यहाँ पर ये क्या पड़ा हुआ है, ये हमें उठाना पड़ेगा शायद से. ये डायरी ऑफ वाना शाह, तो हमें डायरी चाहिए. लेकिन अगर वाना शाह देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी. और ये कौन आ गया यहाँ पर? ओके, तो इसको मारना पड़ेगा. अभी ये कहाँ से आ गई? ओके, वो उधर देख रही है, इसको मार देता हूँ मैं. इधर तेरी भैंस की टांग, तेरे को आने के लिए किसने बोला? तो यहाँ पर हमने इसको तो मार दिया, बारी है इसको मारने की. इधर इधर तेरी ऐसी की तैसी. ओ, यहाँ पर मैंने इसे मुक्का मार दिया गलती से. अब मैं इसका गला घोट के इसे पूरा ही खत्म कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर बंदों को पता चल गया क्या? अभी यार मैंने इसको बहुत तेज मार दिया. फटाफट यहाँ से निकल जाना है मेरे को भाई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए. फिलहाल अभी यहाँ पर किसी को शक तो नहीं है, बट यहाँ से मैं जल्दी जल्दी एग्जिट हो जाता हूँ. हटो 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 भाई साहब, अगर इनको हल्का सा भी शक हुआ बहुत गड़बड़ हो जाएगी. मतलब कि इनको पता भी नहीं है कि ये लोग जिसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पर खड़े हो गए इतने सारे लोग, उसको मैं मार चुका हूँ भाई. इतने सारे उसने भाई बंदे रखे हुए हैं. और ये देख लो भाई, एक घटिया सा ट्रेन यार्ड है, उसके अंदर इन्होंने अपना बना रखा है ताम तोपड़ा. तो यहाँ पर इन सबको तो फिलहाल निपटा दे. और इसके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है इनको कुछ होश ही नहीं है कि क्या सीन हो चुका है. अब फटाफट यहाँ से बाहर निकल लेते हैं भाई. यही है भाई साहब एजेंट 47, बंदों को मार देता है और बंदों को भनक तक नहीं चलती. तो यहाँ पर भाई सब कुछ एकदम मामला जो था सारा का सारा डन हो गया है. अब बारी है मारने की दाऊद रंगन को. अब उसको मारेंगे, देखते हैं दाऊद रंगन को कैसे मारना है. पिछली बार हमने जैसे ही मारा था मैं सोच रहा हूँ उसी तरीके से मार दे. तो अब बस हमें दाऊद रंगन के पास पहुंचने के लिए ना उस बंदे का वेट करना है जो कि यहाँ पर एक्ट्रेस के रूप में आया हुआ है. मतलब कि जो मूवी जो बन रही है दाऊद रंगन की, वो उस मूवी का हीरो होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं जो भी है उसका कोई रोल है. तो दाऊद रंगन ने उसे फोटो शूट के लिए बुलाया और वो नीचे घूम रहा है इस टाइम पर. तो हमें उसको मार के उसकी पहले ड्रेस लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें दाऊद रंगन के पास पहुंचना है और वहां पर चलकर हम उसे मार देंगे. अब वाना शाह को मारना बहुत मुश्किल था लेकिन हमने उसे भी मार दिया है. अब यहाँ पर देखते हैं भाई इसे कैसे मारना. भाई बहुत ही खतरनाक था जो भी था. अब यहाँ पर वो बंदा इधर है कि नहीं है मेरे को ये देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो इधर ही कहीं घूम रहा था लास्ट टाइम. तो अभी तो फिलहाल इधर नहीं हो रहे. झोले वाले बाबा भी आ रहे हैं सामने से, मैं इनसे पंगे नहीं लूंगा भैया, ये दिमाग के दही बहुत करते हैं. ओके, तो ये बंदा ये रहा और इस टाइम इसका पेट खराब हो रहा है, उसको शायद से वॉमिटिंग आ रही है. तो भी ये जाएगा वहां पर नाले में उल्टी करने, तभी इसका गला घोट देंगे और इसकी ड्रेस ले लेंगे. ओके, तो यहाँ पर वाना शाह की बॉडी जो है बंदों को मिल गई है. तो हमें अपनी टेलर की ड्रेस ना जल्दी से बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है टेलर ही अंदर गया था. और यहाँ पर ये बंदा तो घूम रहा है यार, इसको शक ना हो जाए यहाँ पर, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी. अबे चले जाना यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा. और यहाँ पर काफी सारे ना बंदे भी घूम रहे, तो सोच रहा हूँ इसे ढनका दूँ. अगर मारूंगा तो ये देख लेगा यार मेरे हिसाब से, तो इसको मैं धक्का दे देता हूँ अंदर. तेरी भैंस की टांग, चल अंदर. ओके, तो इसने देख लिया भाई मेरे को, देख लिया. रुक जा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, मेरे को मारना. नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे से गलती से लात लग गई है. ओके, ठीक है. अरे शांत भैया, इतना नहीं. ओके, तो मैं यहाँ पर से. ओके, ठीक है. तेरी भैंस की, ले बेटा गन दे इधर दे गन साले, तूने कभी गन इधर आ, तेरी भैंस के रंग गन दे इधर. जो पहले मैं से रीलोड मारूं. अब यहाँ पर ये लोग कुछ ज्यादा ही बदमाश बन रहे हैं. अब मेरे को लग रहा है इसके बहुत सारे बंदे आएंगे यहाँ पर. अब मेरे को सबसे पहले तो ना नीचे जाना है उसकी बॉडी लेने के लिए, क्योंकि सामने से जो साले निकल. भाई ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, ये कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दी. अब मेरे को फटाफट से इसकी ड्रेस चाहिए होगी. अरे ड्रेस उठा मेरे भाई, ड्रेस उठा यार. पूरा नाले के अंदर घूमना पड़ेगा. चल गन अंदर भाग. ओके, तो यहाँ पर कोई छुपने की जगह तो फिलहाल इनको नजर नहीं आ रही. थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाता हूँ. ओके, तो भाई साहब मैं नाले के अंदर आकर छुप चुका हूँ. ओके, तो भी फिलहाल सारा शक जो है खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है. ओके, तो भी बहुत कुछ जो है एकदम सही हो गया. अब बस हमें यहाँ से ना बाहर निकल जाना है. इनको पहले जाने का वेट करते हैं भाई. सही टाइम पे मैंने कपड़े बदल लिए और भाग कर इधर आ गया.
तो यार यहाँ पर सब कुछ तो एकदम डन हो चुका है, बस मुझे ना यहाँ से बाहर निकलना है और कोई बंदा ना शक ना करे मेरे पे। तो यहाँ पर एक ही रास्ता यहाँ से बाहर निकलने का, चुपचाप निकल कर देखते हैं यार क्या सीन होता है। बाकी ये जो नाला है ना काफी आगे तक जा रहा है, तो यहाँ से मैं चुपचाप इधर इधर से निकल लेता हूँ। और ये यहाँ पर बंद है क्या? तो अभी हम ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर एक डंडा सा है, फिलहाल अभी किसी ने मेरे को देखा तो नहीं है। यहाँ पर ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या हम? ओके, तो यहाँ पर है तो ऊपर चढ़ने का, रुक जाओ भाई साहब काफी सही जगह है, अब बस ऊपर चढ़ जाते हैं। रुक जाओ एक मिनट, रुको, यहाँ से हमें इस तरीके से जंप लगानी है और ऊपर चढ़ जाना है। चलो भाई निकल गए यहाँ से बाहर। अभी यहाँ पर और भी काफी सारे बंदे हैं, तो ये जो येलो वाला ना ये हमें पहचान जाएगा, तो मेरे को इससे एकदम बच के रहना है। तो ये बंदा तो अपना निकल गया। अब जो दाऊद रंगन का घर है वो सामने वाला ही है, मेरे को बस यहाँ से निकल जाना है। अब यार सबसे पहले मैं उसी जगह पर जाऊंगा जहां पर मैंने वान्या शाह को, मतलब कि वान्या शाह के एरिया के अंदर एंट्रेंस होने से पहले अपनी पिस्टल ड्रॉप करी थी। अब वहीं पर जाकर पहले मैं अपनी पिस्टल उठाऊंगा और वापस यहीं पर आऊंगा, पिस्टल लेकर अंदर एंट्री करूंगा और फिर जाकर सीधा दाऊद को मार दूंगा। सब कुछ डन हो चुका है, मेन हमें ड्रेस चाहिए थी और एक ड्रेस लेने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ होगी भाई साहब, मतलब कि यार बहुत खराब सीन हो जाता। अब वान्या शाह का जो एरिया था मेरे हिसाब से वो यही एरिया था और हमने अपनी पिस्टल को भी यहीं पर छुपाया था, तो भाई साहब मुझे पता नहीं था इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाएगी एंड में पिस्टल। अभी फटाफट चलते हैं भाई। शॉटगन पता है क्या है? बैक में लगी हुई ना सब कुछ दिख जाती है, तो हर बंदा हम पे डायरेक्टली आकर शक करता है और मारने लग जाता है। और जो पिस्टल होती है वो ना एकदम पॉकेट के अंदर चले जाती है और किसी को पता नहीं चलती। अब यहाँ पर फटाफट पिस्टल का सीन क्या, और ये सामने क्या आ रहा है, कुछ वायर वायर का सीन है क्या? ओके, तो अभी हमें जो ओके मेरे को याद आ गया, यहाँ पर मैंने अपनी पिस्टल ड्रॉप करी थी। फटाफट यहाँ पर मैं पहले आकर अपनी पिस्टल उठा लेता हूँ और वापस चलता हूँ दाऊद जहाँ पर था। तो ओके भाई साहब अब गया बेटा तू दाऊद, पहले तो तू मेरे से बच गया था लेकिन इस बार नहीं बचने वाला। अब गाइस सब कुछ एकदम डन हो चुका है, मैंने वापस आकर अपनी पिस्टल भी ले लिया, हमें ड्रेस भी मिल गई है। अब बस हमें जैसे जैसे करके दाऊद के टावर के अंदर एंटर करना है चुपचाप से और वहां पर जाकर उसे मार देना है और ये वाला मिशन अपना कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो 90% चांस है हम कंप्लीट कर देंगे, बस कोई छोटी मोटी मिस्टेक ना हो जाए। तो कि गाइस अभी आप हम आ चुके हैं दाऊद का जो टावर है इसके अंदर जहां पर उसकी मूवी शूट हो रही है। अब फटाफट यहां से हम बैक वाले दरवाजे से, मतलब दरवाजा तो नहीं है, बैक वाले रास्ते से एंटर हो जाते हैं, क्योंकि अगर मेन गेट से आएंगे ना तो हमें अपनी चेकिंग करवानी पड़ेगी और अगर चेकिंग में हमारी पिस्टल मिली गई तो भैया बहुत बुरी कुटाई होने वाली है, मतलब कि मारेंगे अलग। और यहां पर हम सीसीटीवी में नोटिस हो चुके हैं। अब यहां पर हमें बस सीधा फोटोग्राफर से बात करनी है ताकि ये ना अनाउंसमेंट कर दे। तो ओके हमें इससे बात करनी है, रुक जाओ। ओके तो यहाँ पर अब ये ना अनाउंसमेंट कर देगा कि फोटोग्राफ का जो सेशन है वो होने वाला है ताकि सारे बंदे इकट्ठे हो जाए और दाऊद भी यहीं पर आ जाए और सब कुछ अपना सारा मामला डन हो जाएगा। ओके तो ये अनाउंसमेंट करने चला गया है और यहाँ पर अब इसने अनाउंसमेंट कर दिया, दाऊद भी नीचे उतर कर आएगा और जितने भी बंदे यहाँ पर है सब फोटो शूट के लिए आ जाएंगे। और यही टाइम है हमें दाऊद को इसी टाइम पर हमें मार देना, बस मेरे पास पिस्टल भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, बस दाऊद यहाँ पर जल्दी से आ जाए। तो मेरे हिसाब से वो अंदर से आते ही होगा और यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह शक तो नहीं है ना मेरे पे? ओके तो एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसको मेरे पे शक है लेकिन वो नीचे वाले फ्लोर पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दाऊद यहाँ पर अभी तक आया नहीं, क्या बात हो गई? ओके तो यहाँ पर पहले हीरोइन आई है जो कि इस मूवी की हीरोइन है शायद से, तो यहाँ पर पहले इससे बात कर रहा है, फिर दाऊद आ जाएगा और हम उससे आते ही मार दूंगा भाई इस बार तो। तो ओके गाइस यहाँ पर अभी दाऊद जो है आ चुका है। अब यहाँ पर इसके पीछे इसका सिक्योरिटी गार्ड भी आया और यहाँ पर जो है इनकी बात बात चल रही है सारी और इसके में लिखा हुआ है क्रू कर्मी, क्या लिखा हुआ है? क्रू कर्मी दल। अच्छा चलो यहाँ पर फुल हिंदी विंदी चलती है भाई यहाँ पर तो पूरी। ओके तो अभी हमें जो अपना फोटो शूट करवाना है और मेरे को यहाँ पर खड़ा होना एकदम सेंटर में। अब भाई फोटो शूट स्टार्ट करवाते हैं और दाऊद मेरे सबसे बीच में आकर खड़ा होगा, तो चलो भाई स्टार्ट कर दो फोटो शूट। अब ये देख लो भाई दाऊद जो है यहाँ पर आकर खड़ा हो चुका है। अब भैया जैसी फोटो शूट कंप्लीट होगा ना वैसे ही से मारूंगा मैं, देखना अब तुम, ये बहुत बड़ा बदमाश है ना यहाँ का मुंबई का, अभी से मारेंगे सीधा। चलो ओके तो यहाँ पर फोटो वोटो जो है खींच चुके और भाई साहब एजेंट 47 को देखो कितनी खुंदक में है, लग भी नहीं रहा किसी एंगल से हीरो है, पता है उसकी शक्ल देख के लग रहा अभी इसे मारेगा। तो ओके भाई उसकी शक्ल ही एकदम ऐसी है, उसकी शक्ल पे समझ नहीं आता कभी स्माइल आई नहीं होगी मेरे को तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर अभी फोटो शूट का जो सेशन है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर दाऊद अपनी सिंगल फोटोज लेना चाहेगा, सोलो शॉट्स कुछ, तो अभी हमें भगा देगा मुझे पता है। चल 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 जल्दी कर, अब मूवी का हीरो दाऊद ही है तो ये हमारा क्या फोटो शूट करवा रहा है भाई? हंसमुख मूवी का नाम है। ओके तो यहाँ पर जो इसकी बात बात हो चुकी है, अब यहाँ पर इसके सोलो शॉट्स होंगे कुछ और हमें यहाँ से निकल जाना है। ओके तो यहाँ पर ओके तो अभी हमें कह रहा है कि तुम सब स्टेज से चले जाओ, अब मेरे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेले फोटो खिंचवाऊंगा। अब यही टाइम है इसको मारने का, अब सब लोग साइड हो जाओ भाई, अब कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को भाई कोई देख तो नहीं रहा ना मेरे को, एक मिनट रुक जाओ। ये निकाला कट्टा, ये निकाला तेरी भैंस की टांग, सारे निकल निकल निकल, चल 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 हो गया सारा काम अपना डन है, अब भगो यहाँ से, बस अब और कुछ नहीं, बस यहाँ से भग लो भाई साहब। सीधा इसको मार दिया मैंने दाऊद रंगन को, अगर हम इसकी ड्रेस पहन लेंगे तो क्या होगा भाई, मतलब ये कुछ भी हो सकता है भाई, अगर इसकी ड्रेस पहनेंगे तो बहुत सारे लोग को लगे, लेकिन हम एकदम ही अलग है यार, दाऊद को तो पहचानेंगे सारे लोग।
तो यहाँ पर हम इजिली यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे बैक वाले गेट से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन मार के भाग गया अपनी पिस्तल में, पूरा सप्रेसर लगा हुआ था। सीधा उठे, तीन गोली मार के यहाँ से निकल लिए। चलो भाई, अभी जो अपना मिशन जो है लगभग यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, और अभी दो चीजें हो रहा था, फाइंड द माइलस्टोन है और एक है इन्फ्रेट द क्रोज हाइड आउट। तो वो चीज भी जो है करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक करना, और हाँ यार चैनल पे नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई जो अपना मेन मिशन था, जो मेन दो टारगेट थे मुंबई के, उन दोनों को आज हमने मार दिया। तो फटाफट जाकर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगर आप चाहते हो हिटमैन पे जल्दी से एक और वीडियो है तो फटाफट जाकर कमेंट में बताओ। और हाँ यार अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो किसी गेम से रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पर देना मत भूलना, जल्दी जाकर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।